Assalamu alaikum. Today we will learn about how a patient can walk with the crutches. So what are the preparations for crutch walking? Iske liye hum arm aur legs jo hote hain uski strength ko check karte hain, especially jo arm ke jitne muscles hote hain un sari muscles ko hum assess karte hain, especially jo muscle groups test kiye jate hain ya assess kiye jate hain wo hain shoulder extensors, adductors and elbow extensors, theek hai. और हम हैंड ग्रिप को भी टेस्ट करते हैं विद द डायनामोमीटर कि क्या पेशेंट की ग्रिप इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो हैंड पीस को जो है वो हैंडल कर सके, उसको कैरी कर सके, ठीक है. देन हम लेग्स की जो है लेग मसल ग्रुप है लेग के उसको उसकी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, उसको असेस करते हैं. स्पेशली जो मसल ग्रुप्स चेक किए जाते हैं वो है हिप के एबडक्टर्स एक्सटेंसर्स एंड नी के एक्सटेंसर्स एंड प्लांटर फ्लेक्सर्स ऑफ द एंकल, ठीक है. बैलेंस पेशेंट का चेक किया जाता है सिटिंग में एंड स्टैंडिंग में, ताकि हम इस चीज़ का आइडिया लगा सकें कि क्या पेशेंट वॉक कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसके फॉल होने के चांसेस कितने हैं, ठीक है. डेमोंस्ट्रेशन बाय अ फिजिकल थेरेपिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो डेमोंस्ट्रेट करे पेशेंट को कि किस तरह से आपने वॉक करनी है विद द क्रच. Now crutch walking during first time when the patient is to stand and walk, the physiotherapist should have an assistant for the supporting the patient. जो हम belt around the waist wear करवाते हैं patient को, ताकि उसको एक assistant provide कर सकें. अब अगर non weight bearing हमने walk करवानी है तो उसमें क्या होता है कि patient जो होता है वो triangular base में हम उसको standing करवाते हैं, जिसमें ये होता है कि क्रचेस जो होते हैं वो आगे की तरफ होते हैं, जो अनअफेक्टेड लिम होता है वो पीछे होता है, या फिर वो लिम जो अनअफेक्टेड है वो आगे की तरफ होता है और जो क्रचेस होते हैं वो बिहाइंड द फुट होते हैं, ठीक है. पार्शियल वेट बेयरिंग में क्या होता है कि क्रचेस और अफेक्टेड लेग जो होते हैं वो हम आगे की तरफ करते हैं, एंड देन जो वेट है वो अफेक्टेड लेग और क्रचेस के थ्रू बेयर किया जाता है, क्योंकि पार्शियली हमने वेट देना है ऑन द अफेक्टेड लेग, और जो अनअफेक्टेड लिम होती है वो ब्रॉड थ्रू होती है. कुछ गेट के पैटर्न्स होते हैं जो फॉलो होते हैं बाय यूजिंग द क्रचेस व्हाइल यू आर वॉकिंग. उसमें ये फाइव गेट पैटर्न्स होते हैं, 4 पॉइंट गेट, 3 पॉइंट गेट, 2 पॉइंट गेट, 2 पॉइंट स्विंग थ्रो गेट एंड स्विंग टू गेट. फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज 4 पॉइंट गेट. तो अगर आप पिक्चर की तरफ देखें तो फर्स्ट पिक्चर में इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इसमें हर पॉइंट जो होता है क्रच लिम्स वो सेपरेटली मूव करते हैं, ठीक है. फर्स्ट अगर आप ये पैटर्न पूरा देखें तो फर्स्ट पिक्चर में देखें उसमें जो लेफ्ट क्रच है पहले उसको फॉरवर्ड किया जाता है एंड देन राइट फुट को फॉरवर्ड किया जाता है, मींस अपोजिट में लेकिन सेपरेटली. देन राइट क्रच फॉरवर्ड होता है एंड लास्ट में लेफ्ट फुट जो है वो फॉरवर्ड होता है, जिस तरह के आपने फोर्थ पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है. तो लास्ट अगर आप फिफ्थ पिक्चर देखें तो वो किस तरह का एक पैटर्न बन रहा है, तो ये 4 पॉइंट गेट कहलाता है. ये जो गेट पैटर्न है वो स्लो होता है, इसकी लेटरल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. ये उन पेशेंट्स में मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है जिनकी जो बैलेंस है जिनका वो पुअर है, इन कोऑर्डिनेशन है या मसल की वीकनेस है. नाउ व्हाट इज 3 पॉइंट गेट. तो अगर आप इसकी पिक्चर देखें तो इसमें क्या होता है कि बोथ क्रचेस एंड इंजर्ड लेग फॉरवर्ड टुगेदर एंड देन हम मूव करते हैं नॉन इंजर्ड लेग, ठीक है. तो ये मोस्ट कॉमनली उन पेशेंट्स में यूज़ होता है जिनका जो गेट पैटर्न है उसमें हम वेट बियरिंग बिल्कुल नहीं करवाते, जैसे कि आप दूसरी पिक्चर में देख सकते हो कि एम्प्यूटेड लेग है उनकी, तो वो उनकी जो गेट उनका जो गेट पैटर्न है वो 3 पॉइंट गेट है. इसके अलावा अगर कोई ऐसा पर्सन जिन्होंने ऑपरेट करवाया है, नी को ऑपरेट करवाया या हिप का कोई ऑपरेशन हुआ है, तो अगर उनको अभी वेट बेयरिंग बिल्कुल नहीं करनी है लिम पे, तो उनमें भी 3 पॉइंट गेट जो होता है वो यूज़ होता है, उनको भी हम 3 पॉइंट गेट करवा रहे होते हैं, ठीक है. सो एज़ यू कैन सी इन दिस स्लाइड के किस तरह से नॉन वेट बेयरिंग जो गेट पैटर्न होता है किस तरह से बनता है, जिस तरह से कि ये दो ब्लैक डॉट जो है वो क्रचेस को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि ये दोनों क्रचेस जो है फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो जो अनअफेक्टेड लिम है वो जो है पीछे है, तो ये एक ट्राइपोड पोजीशन बन रही है, ठीक है. और जब अफेक्टेड लिम जो है वो फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो जो क्रचेस हैं वो बिहाइंड द फुट हैं, ठीक है. नाउ व्हाट इज़ 2 पॉइंट गेट. तो 2 पॉइंट गेट इज़ वेरी सिंपल के इसमें जो है सेपरेट मूवमेंट होती है. अगर हम लेफ्ट क्रच को फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उसी के साथ हम राइट लिम को भी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है. और अगर हम
राइट क्रच को फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उसी के साथ हम लेफ्ट लिम को फॉरवर्ड करेंगे, मींस के ये मूवमेंट जो होगी वो साथ में होगी। अगर हम डिफरेंशिएट करें बिटवीन टू पॉइंट गेट एंड फोर पॉइंट गेट, तो फोर पॉइंट गेट में हर पॉइंट जो था वो सेपरेटली क्रच फुट्स लिम्स जो थे वो सेपरेटली मूव हो रहे थे, लेकिन टू पॉइंट गेट में अपोजिट मूवमेंट हो रही है लेकिन एक साथ हो रही है। ठीक है, स्विंग थ्रू गेट में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो क्रचेस, दोनों क्रचेस को फॉरवर्ड करता है एंड देन जो उसके लिम्स हैं उन दोनों को स्विंग करके आगे की तरफ फॉरवर्ड करता है, नॉट एट द सेम पॉइंट ऑफ द क्रचेस, तो उसको हम बोलते हैं स्विंग थ्रू गेट। स्विंग थ्रू गेट दैट इन विच द क्रचेस आर एडवांस्ड और फॉरवर्ड एंड देन द लेग्स आर स्विंग पास्ट देम। Now what is swing to gate? Swing to gate that in which the crutches are advanced and the legs are swung to same point. Means के crutches को forward करके then हमने जो जो patient ने legs को forward किया है, limbs को forward किया है, वो at the same point है जहाँ पर tips हैं crutches की। स्टेयर क्लाइंबिंग, अब एक पेशेंट जो क्रचेस यूज़ कर रहा है वो जो है स्टेयर्स को किस तरह से क्लाइम करेगा तो वो हम स्टडी करेंगे। तो ये कुछ गाइडलाइंस है फॉर दी स्टेयर क्लाइंबिंग। ठीक है, अगर रेलिंग अवेलेबल है तो आप जो एक्सिलरी क्रचेस यूज़ करें आप इसको एक ही हैंड में प्रेस करते हो। ठीक है, एक कॉमन टर्म यूज़ होता है अप विद गुड एंड डाउन विद बैड, जो आपकी एक्सट्रीमिटी अनअफेक्टेड है आप उससे पहले स्टेप जो है वो लेते हो, पहला स्टेप आप उससे लेते हो एंड देन अब जो आपका अफेक्टेड लिम है आप उससे स्टेप लेते हो। ठीक है, नाउ किस तरह से हम जो स्ट्रेयर्स हैं वो अपवर्ड हम किस तरह से मूव करते हैं, जिस तरह से आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, फर्स्ट पिक्चर में सबसे पहले जो गुड लिम है हम उसको स्टेप जो है पहला उस पर रखते हैं। ठीक है, देन हम क्रच उसी लेवल पे जहाँ पर हमने गुड फुट प्लेस किया है उसी लेवल पे हम क्रच रखते हैं एंड देन जो अफेक्टेड लिम है उसको अपवर्ड फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो फॉरवर्ड मूव होते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ रेलिंग। नाउ हाउ वी कम डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स, तो पहली पिक्चर में अगर आप देखें तो जो अफेक्टेड लिम है सबसे पहले हम उसको प्लेस करते हैं ऑन द स्टेप डाउन एंड देन हम क्रच जो है उसको प्लेस करते हैं और लास्ट में जो है वो अनअफेक्टेड फुट। ठीक है, तो इस तरह से हम डाउनवर्ड जो है वो मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेलिंग। एज आई टोल्ड यू बिफोर, स्टेयर क्लाइंबिंग अप विद गुड एंड डाउन विद बैड। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वॉक विद द क्रचेस। थैंक यू।